आज का टॉपिक है मैक्स स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। तो आज लास्ट लेक्चर में जैसे हमने इंट्रोडक्शन देखा था ये चैप्टर का, आज ये चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं जो हमको इसमें काम आने वाला है। अब देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। डेंसिटी डेंसिटी मतलब कि उसकी क्वांटिटी, एक तरीके से अपने बोल सकते हैं। तो बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। अब देखो, अगर मैं तुमको कोई भी दो रैशनल नंबर दूं, दो अलग अलग रैशनल नंबर दूं, तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी यानी बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि वन और टू, वन भी एक रैशनल नंबर है, टू भी एक रैशनल नंबर है। अगर उसके अंदर मैं रैशनल नंबर चेक कर रहा हूं तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स यानी बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो और रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब जैसे लास्ट लेक्चर हमने जो लिया था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, उसमें हमने बताया था कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या आप उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओगे? वेयर क्यू आर द इंटीजर्स, और यहां पे जो पी और क्यू है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखो, तो यहां पे क्वेश्चन आप समझ गए, हमको बताना जीरो रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आएगा यस। इसका आंसर क्या आएगा? यस, हां जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, और हां हम लोग उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख भी सकते हैं। जैसे जीरो हुआ तो मैं लिख सकता हूं जीरो बाय वन, जीरो बाय टू, जीरो बाय फाइव, जीरो बाय नाइन, बराबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। अब देखो, जैसे मान लो जीरो है तो जीरो को मैं वन से डिवाइड करूंगा तो आंसर जीरो ही आएगा, जीरो को टू से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर जीरो ही आएगा। मींस अगर अपने कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या होगा? जीरो। अपॉन में डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिखो चलेगा, बराबर। तो ये उसका पी बाई क्यू फॉर्म हमने बता दिया। डिनोमिनेटर क्यू कैन ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव, उसको हम लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या दिया है हमको। चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है? फाइंड सिक्स रैशनल नंबर, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। अब चलो, अब जो डेंसिटी वाली मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते थे, उसका आंसर होता इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो अब देखो, चलो फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। अब अपने को यहां पे थ्री और फोर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है वो फाइंड करना है। तो देखो, इसकी दो मेथड है, तो हम लोग पहली जो मेथड है वो कर रहे हैं, दूसरी मेथड हम लोग नेक्स्ट सम में करेंगे। ठीक है, तो पहली मेथड क्या है, तो देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं। चलो मान लो हमारे पास, सपोज करो, चलो यहां पे मैं बताता हूं, ये रफ वर्क है, ये कोई एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है। मान लो मैंने ए एंड बी, मैंने ए और बी दो रैशनल नंबर्स लिए। अब मेरे को किसी ने बोला, सर इसके बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड करके बताओ, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। क्या फॉर्मूला है उसका? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, मीन्स दोनों को आप प्लस करो और टू से डिवाइड करोगे तो आपको रैशनल नंबर, उसके बीच का रैशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू फाइव और सेवन, मैं बोला सर इसके बीच का रैशनल नंबर फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, फाइव प्लस सेवन बाय टू, तो ट्वेल्व बाय टू, तो सिक्स। देखो फाइव और सेवन को मैंने प्लस करा, टू से डिवाइड कर, तो आंसर क्या है? सिक्स। और आप बताओ फाइव और सेवन के, सिक्स फाइव और सेवन के बीच में आता है कि नहीं आता?
ऑब्वियसली आता है बराबर। तब उसी तरीके से हमको यहां पे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक रेशनल नंबर को Q1, Q2, Q3 से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे उसको? Q1, Q2, Q3 से डिनोट करेंगे। तो देखो सबसे पहले वी हैव, देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 3 और 4। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे Q1 करते हैं। Q1 यानी देखो रेशनल नंबर को हम लोग किससे, Q से डिनोट करते हैं कि नहीं करते? तो पहला रेशनल नंबर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? Q1। तो इसका क्या होगा? 3 + 4/2। तो 3 + 4/2 यानी 7/2। पर इसको तो अपने डिवाइड मींस पॉइंट में नहीं करना, फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने देंगे। देयरफॉर 3 इज स्मॉलर देन 7/2 एंड 7/2 इज स्मॉलर देन 4। मतलब 7/2 है वो 3 और 4 दोनों के बीच में आता है। चलो यहां हमको हमारा पहला रेशनल नंबर मिल गया। अब हम दूसरा रेशनल नंबर करते हैं। अब दूसरा रेशनल नंबर कैसे करेंगे? अब जैसे हमारे पास पहले 2 नंबर थे, वो 2 नंबर से हमने एक और नंबर फाइंड किया, 3 नंबर हो गए। तो अब इसमें अब 7/2 और 3 को लो। किस किस को लोगे आप लोग? अब 7/2 और 3, मतलब 3 + 7/2 / 2 बराबर 3 + 7/2 / 2। अब सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे न्यूमरेटर में? देखो 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं, तो क्या लिखा जाएगा? 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से। तो देखो 3 × 2 = 6, 7 × 1 = 7/2/2। तो ये 2 नीचे आएगा, 6 + 7/2 × 2, 2 एक ऑलरेडी था और ये 2 नीचे आके कहां पे आएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो 6 + 7 = 13, 2 × 2 = 4, क्या होगा? 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड रेशनल नंबर। मतलब यहां पे कैसे लिखेंगे? 3 इज स्मॉलर देन 13/4, 13/4 इज स्मॉलर देन 7/2 इज स्मॉलर देन 4। तो चलो हमको 3 और 4 के बीच में कितने 2 रेशनल नंबर मिले। अब आगे Q3 थर्ड रेशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे पहले मैंने 7/2 और 3 लिया, वैसे ही अब मैं 7/2 और 4 लूंगा। क्या लूंगा? 7/2 और 4। तो चलो 7/2 + 4/2, ठीक है, सेम एलसीएम लेंगे, इसको 1 से, इसको 2 से। तो 7 × 1 = 7, 4 × 2 = 8/2/2। तो 7 + 8, ये 2 कहां पे आएगा? नीचे, 2 × 2, 7 + 8 = 15, 2 × 2 = 4, क्या होगा? 2 × 2 = 4। अब आगे देखो 3 इज स्मॉलर देन 13/4, स्मॉलर देन 7/2, स्मॉलर देन 15/4, स्मॉलर देन 4। अब मतलब हमको 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो 3 रेशनल नंबर मिले, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। तो चलो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है? 3, 13/4, 7/2, 15/4 और 4। अब ऑलरेडी हमने जिसको यूज कर लिया, जैसे हमने 3 और 4 को एक साथ यूज कर लिया, 3 और 7/2 को एक साथ यूज कर लिया, 7/2 और 4 को यूज कर लिया। अब इसके अलावा इसमें से आप कोई भी 2 पैर उठा लो, बराबर, जो आगे यूज नहीं करी गई हो। इसमें से आप कोई भी 2 पैर उठा लो जो आगे यूज आपने नहीं करी है। तो चलो मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं 13/4 + 7/2 / 2, समझे कि नहीं समझे? यानी आपने जो नंबर फाइंड करे उसमें से कोई भी 2 नंबर लेने का, आपको खाली ये ध्यान रखने का कि वो पैर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो चलो 13/4 और 7/2, तो सेम एलसीएम लेंगे। 4 और 2, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा, 4 को 1 से, इसको 2 से। तो 13 × 1 = 13, 2 × 4 = 2, 7 = 14, अपॉन 4 अपॉन 2, 4 नीचे आएगा, 13 + 14, 4 × 2, तो 13 + 14 कितना होता है? 13 + 14 हम लोग करेंगे कितना? 27/8, 4 × 2 = 8, बराबर। फिर अब जैसे हमारे पास क्या क्या हो गया, 3, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4 और ये 4। हमको कितने? 4 नंबर मिल गए। वैसे ही हम लोग आगे 2 और नंबर फाइंड करेंगे। तो देखो अब लेते Q/5, तो वापिस ये 5ों में से कोई भी, ये 6 नंबर में से कोई भी 2 नंबर लो जो पैर हमने आगे यूज ना करी हो, उसमें के कोई भी आप 2 नंबर इसमें से ले सकते हो। तो चलो मान लो जैसे हमने अभी पहले लिया 13/4 और 7/2, अब हम लोग लेते हैं 7/2
प्लस 15 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, बराबर 7 बाय 2 प्लस 15 बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो वापस 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, तो 2 को मैं, सॉरी 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, मैं 2 को 2 से, 1 को 4 को 1 से, 7 2 जा 14, 15 1 जा 15 अपॉन 4 बाय 2, तो 14 प्लस 15, 4 इंटू 2, 14 प्लस 15 कितना होगा 29, 4 2 जा 8, बराबर। तो इस तरीके से हमको कौन सा हमारा पांचवा रैशनल नंबर मिला, कौन सा है वो 29 बाय 8, तो यहां पे क्या होगा 3, 13 बाय 4, 27 बाय 8, 7 बाय 2, 29 बाय 8, 15 बाय 4 और 4। अब चलो पांच रैशनल नंबर मिले, वैसे ही हमने एक और इसमें से कोई भी एक ऐसी कोई भी एक पैर ले लेंगे जिससे हम लोग हमारा छठा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तब हम लोग इस बार पैर लेते हैं Q6 के लिए, हम लोग पैर लेते हैं 13 बाय 4 प्लस 15 बाय 4 बाय 2, कौन सी पैर लेते हैं 13 बाय 4 प्लस 15 बाय 4 बाय 2, तो देखो 30, तो यहां पे बेस तो ऑलरेडी सेम ही है, तो 13 प्लस 15 बाय 4, रुक जाओ जो ये पैर नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि इसमें आंसर वापस एक अपना रिपीट हो सकता है। तब हम लोग पैर लेते हैं Q6 के लिए 13 बाय 4 प्लस 27 बाय 8 अपॉन 2, अब 4 और 8, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, तो 4 को मैं किससे 2 से मल्टीप्लाई, 8 को किससे 1 से, 13 2 जा 26 प्लस 27 बाय 8 अपॉन 2, तो 2 नीचे आएगा, 26 प्लस 27 बाय 2 इंटू 8, तो 26 प्लस 27 कितना होता है 53 अपॉन 16, बराबर। तो ये हमको क्या मिला, छठा रैशनल नंबर मिला। थस द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 7 बाय 2, 13 बाय 4, 15 बाय 4, 27 बाय 8, 29 बाय 8 एंड 53 बाय 16, बराबर। ये हमको छह रैशनल नंबर्स मिले, कौन कौन से मिले, 7 बाय 2, 13 बाय 4, 15 बाय 4, 7 बाय 20, 29 बाय 8 एंड 53 बाय 16। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका भी सेम आंसर आए, बराबर, आपका अलग आंसर भी हो सकता है। जैसे मैंने दो पैर जो लिया, अपने पैर अलग ली तो आपका आंसर अलग आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 1 to 100 के बीच में आप कोई भी दो नंबर्स अपने माइंड में लो, तो फॉर एग्जाम्पल आप माइंड में लोगे 10 और 20, मैंने अपने माइंड में लिया 15 और 25, तो उसके अंदर क्या बहुत सारे नंबर्स, तो आप कोई भी दो ले सकते हो। तो वैसे ही दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स है, तो वो कोई भी नंबर आ सकता है, पर आपका इससे आंसर थोड़ा डिफर भी कर सकता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गई हमारी पहली मेथड, अब जो सेकेंड सम है वो हम अलग मेथड से करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। अब देखो अब हमारे पास दो रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, 3 बाय 5 और 4 बाय 5। अब हमको ये दोनों के बीच में कितने पांच रैशनल, सॉरी कितने 5, हाँ कितना फाइंड करने, पांच रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखो अब यहां पे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो सिंस वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, देयरफॉर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। अब देखो आपको कितने नंबर बोले 5, तो अपने क्या करेंगे 5 प्लस 1, यानी जितने भी नंबर बोले होंगे उससे एक ज्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 नंबर्स बोले तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते, बराबर 10 बोले होते तो 11 से करते, 15 बोला होता तो 16 से करते। हमको यहाँ पे कितना बोला 5 बोला है, तो हमने किससे करा 6 से उसको मल्टीप्लाई और 6 से उसको
डिवाइड करेंगे। तो और एक और बात समझ लो, जैसे यहाँ पे 3/5 है और दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है 4/5, ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास 4/5। अब देखो इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं। अब जैसे यहाँ पे आप चेक करो, डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करते, उसके बाद उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता। अब जो डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर सकते और 6 से डिवाइड कर सकते, और 6 से ही क्यों, क्योंकि 5 नंबर बोले तो इसके लिए 6 से, 10 बोले थे तो 11 से, 20 बोले थे तो 21 से करते। तो चलो 3 × 6 5 × 6, वैसे यहां पे देखो 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30, वैसे 4 × 6 5 × 6 तो 24/30। देखो ये मेथड आप लोग कभी भी करोगे ना तो सबसे पहले आपको कहां पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तो ही ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं चलेगी। तो अब देखो हमको क्या मिला, 18/13 और 24/30। तो 18 और 24 के बीच में मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर 5 rational numbers between 3 and 4 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो हमारे नंबर क्या आए थे आगे, 18/30, 24/30। अब 18 और 20 देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का ऑलरेडी सेम है, 30 30। अब ये खाली आपको बताना है 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 19 20 21 22 23। तो इसके लिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये दो मेथड है जिस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हम लोगों को, स्टेट whether the following statements are true or false। अब हमको यहां पर कुछ statements दिए होंगे, हमको बताना है सही है या गलत। Give reasons for your answers। Number one, और अगर अपने सही है तो क्यों सही है वो भी बताना है, गलत है तो क्यों गलत है वो भी बताना है। अपने को पहले चेक करना सही है या गलत और उसका रीजन भी देना है। तो पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब पहला स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या होल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। जैसे आपको याद हो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या बताया था, जितने भी नेचुरल नंबर है और जीरो वो सब किस में आते हैं, होल नंबर में, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो अब यहां पर क्या बोला गया, जितने भी इंटीजर्स है क्या वो होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, नहीं। बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। अब जैसे मैं आपको बताऊं फॉल्स क्यों, अब जैसे हमने देखो आपको याद हो तो होल नंबर में क्या क्या आता है, जीरो और पॉजिटिव, और इंटीजर्स में क्या आता है, जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो होल नंबर में नहीं आता, मतलब अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो होल नंबर नहीं होगा, इसके लिए इसका स्टेटमेंट कैसा है,
फॉल्स है। फिर लास्ट स्टेटमेंट थर्ड नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और रीजन क्या होगा? बिकॉज रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी कंप्लीटली, आर नॉट होल नंबर। अब देखो जैसे हम लोग जानते हैं पी बाई क्यू जो रैशनल नंबर होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? हमेशा पी बाई क्यू। अब कभी कभार जो क्यू होता है ना पी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 9/2 तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो वो होल नंबर नहीं होता। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो।